अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं हूँ फैज़ान अहमद। आज मैं आपके साथ बारबेक्यू बीफ बोटी की रेसिपी, बहुत ही नरम और मुलायम बोटी बनाऊँगा। इसको मैं कैसे बनाऊँगा और इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करूँगा, चलें मैं आपको बताता हूँ। स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले क्रीम पॉट, 2 किलो गोश्त के मसाले का बैच बताने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करना है इसमें। उसके बाद 2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्ची, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर, 3 टेबल स्पून धनिया कुटा हुआ, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला, 2 टेबल स्पून चाट मसाला मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, 2 टेबल स्पून कचरी पाउडर, इसको बहुत ही नरम मुलायम कर देगा, 3 टेबल स्पून चिली सॉस, 2 टेबल स्पून सिरका विनेगर, 3 टेबल स्पून सोया सॉस। स्पेशल शेफ सीक्रेट रेसिपीज की रेसिपी है। मैं इसमें 2 टेबल स्पून केचप ऐड कर रहा हूँ ताकि जो मसाला है बोटियों पे चिपक जाए, 3 टेबल स्पून दही, दही इसमें बहुत कम यूज़ करूँगा मैं, 1/4 टेबल स्पून हल्का हल्का इसमें पानी ऐड करूंगा मैं। फूड कलर इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा। मैं इसके अंदर नमक ऐड कर रहा हूँ, पिंक सॉल्ट, थोड़ा सा इसमें जर्दा रंग ऐड कर रहा हूँ, माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, बहुत ही जायके वाला बना है माशाल्लाह। मैं इसके अंदर सरसों का तेल ऐड करूँगा, मस्टर्ड ऑयल, इसको मिक्स करना अच्छी तरह। मैरिनेशन बिल्कुल रेडी है। इसके अंदर अब गोश्त ऐड करते हैं। इसके अंदर गोश्त ऐड करता हूँ अपने हाथ की मदद से, अच्छी तरह इसको मैरिनेट कर लेना है। देखिए माशाल्लाह मैरिनेशन हो गई है। इसको मैं तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए रखूँगा मिनिमम, मैक्सिमम आप इसको 12 घंटे के लिए रखेंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही नरम और मुलायम बीफ की बोटी बनेगी। इसको मैं रेस्ट पे रख देता हूँ फ्रिज में 4 घंटे के लिए। माशाल्लाह 4 घंटे बाद मैंने इसको इससे निकाला है। इसको मैं अब सीखों पे लगाऊंगा। थोड़ी सी खुली खुली लगाऊंगा। ये देखिए खुली खुली मैंने लगाई है। इसी तरह सारी सीखे लगाऊंगा। देखिए माशाल्लाह सीखे मैंने भर ली हैं। इसको हम बारबेक्यू करेंगे। बारबेक्यू की तैयारी।
हैं माशाल्लाह, बारबेक्यू चल रहा है। माशाल्लाह ये देखें तैयार हो गई है, इसको निकाल लेंगे, इसकी यही सर्विंग है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह एक न्यू एपिसोड में एक नई रेसिपी के साथ। हमें दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।